युगचरण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पैन कार्ड के लिए सरकार ने लागू किए हैं नए नियम। आधार लिंकिंग और लेन देन के नियमों में हुए हैं बड़े बदलाव। सरकार द्वारा लागू किए गए ये नए नियम पैन कार्ड धारकों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि वित्तीय सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए। इस खबर में हम विस्तार से जानेंगे कि ये नए नियम क्या है और इनका पैन कार्ड धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधार पैन लिंकिंग कंपलसरी। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना कंपलसरी कर दिया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड और सिक्योरिटी को मजबूत रखा जा सके। यदि मानो अगर आपने आधार और पैन को अपने लिंक नहीं कराया तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है आयकर रिटर्न दाखिल करने और बड़े बैंकों की लेन देन करने। आधार लिंकिंग से अगर कोई आपके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर रहा हो तो उसको रोकने में भी आपको मदद मिल सकती है। आधार लिंक न करने के परिणाम आपको फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, बैंक की लेन देन में समस्या हो सकती है, आयकर रिटर्न फाइलिंग में समस्या हो सकती है, साथ ही साथ अगर कोई सरकारी योजना आपको चाहिए तो उसके भी लाभ आप नहीं उठा सकते। और साथ ही साथ 10 अंकों का नया पैन नंबर जो 9 अंकों का रहता था अब 10 नंबर का किया गया है। और ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल सुरक्षा बनी रहे और बेहतर डेटा प्रबंधन के लिए भी किया गया है। इस परिवर्तन से फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोका जा सकता है और बड़ी बड़ी बैंकों के लेन देन में भी कंट्रोल पाया जा सकता है, जिससे कि ब्लैक मनी काले धन को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। 50,000 से अधिक की लेन देन में पैन कार्ड की कॉपी आवश्यक है, कंपलसरी है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स और फाइनेंशियल लेन देन को कंट्रोल में रखा जा सके, इसलिए इतने बदलाव पैन कार्ड में किए गए हैं। आपको इन पे क्या लगता है, अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी।